स्पीकर एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मानव सेवा संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने सहायता के लिए 40 लाख का चेक सीएम को दिया है। आज भाजपा सरकार किसी भी गरीब को मदद देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में पुलिस ने गरीबों मजदूरों पर जो लाठियां चलाई हैं, उस पर सीएम ने कोई बयान नहीं दिया है, जो ठीक नहीं है। शर्मा ने कहा कि सीएम ने प्रदेश को प्रयोगशाला बना रखा है और सीएम चंडीगढ़ में बैठे बैठे ही प्रदेश की जनता पर नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स कोरोना को हराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुध नहीं ली जा रही। उन्होंने कहा कि शराब का घोटाला सरकार की मिली भगत से हुआ है। आज मंदिर मस्जिद बंद, ठेके खुले, यह सरकार की नीति है। सीएम ने शराब घोटाले पर एक भी शब्द नहीं बोला। इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। कुलदीप शर्मा ने कहा कि सीएम हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते और वह इस कोरोना के समय में भी किसी भी करनाल के निवासी का हालचाल जानने नहीं पहुंचे। वहीं इस मौके पर सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि वह लोगों के बीच में है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता व कार्यकर्ता इस समय जनता के बीच में नहीं है। उन्होंने करनाल की सामाजिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वह इस महामारी के समय में लोगों का सहयोग कर रही है। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अरविंद मान, प्रवीण शर्मा के अलावा अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किसानों को 1160 करोड़ रुपए का जो भुगतान होना था, मैं पूछना चाहता हूं सरकार ने कितना भुगतान किया। जहां तक मुझे ज्ञात है, केवल 172 करोड़ रुपया अभी तक किसानों के भुगतान के लिए गया है। जो 72 घंटे के अंदर भुगतान की प्रथा चली थी, जो हमने कांग्रेस की सरकार में चली कि 72 घंटे के अंदर भुगतान होगा, वो किसान आज फार्म भरकर आड़ती और किसान के बीच में मतभेद पैदा करने की परिस्थितियां पैदा करके, डायरेक्ट पेमेंट इनडायरेक्ट पेमेंट की परिस्थितियां बना के किसान को बुरी तरह त्रस्त किया गया है। किसान को कहा गया जीरी मत बो, सरकार ने कहा अपना पानी अपना विरासत। मुख्यमंत्री जी का ये कहने का मतलब क्या है समझ नहीं आया। मैं खैर उन्हीं को समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं, और किसी को तो क्या समझ में आएगा। लोगों को धान ना रोपने देने की वजह से जो पंचायती भूमियां थी उनकी जो बोली हुआ करती थी, उससे ही करीबन 125 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान। अब सरकार दूसरे प्रदेशों का गेहूं खोल रही है हरियाणा में, जबकि सारा गेहूं हो चुका है। दूसरे प्रदेशों का गेहूं आकर हरियाणा में बिकता था, 600 करोड़ रुपए का उससे मार्केटिंग फीस आया करती थी, उसका नुकसान हो गया। इसलिए तो मैंने कहा है ये प्रयोगशाला बना रखा है। किसान की कमर तोड़ने के लिए सरकार बजट है। पहले तो मौसम की मार लगी, किसान को बोनस देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद 5 दिन तक धारावाहिक चला एक फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का सीरियल, डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले हिंदी अंग्रेजी में फिर उसका हिंदी अनुवाद। ये कहा गया कि 74,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया है। अरे किसानों की फसल खरीद का तुमने 74,000 करोड़ रुपए दिया है, आज से पहले मुफ्त में लेते थे क्या तुम? उसके अलावा एक पैसा बताओ कोई बोनस का दिया हो, कोई सब्सिडी का दिया हो, कोई बिजली का बिल माफ किया हो? कुछ नहीं किया गया और किसान को परेशान करके रख दिया। किसानों की दुर्दशा हो रही है। इसी प्रकार से प्रदेश में
छोटे व्यापारी को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो 2 महीने दुकानें बंद रहीं, खुली हैं तो बिजली का बिल भी है, दुकान पर काम करने वालों की तनख्वाहें भी हैं, कहाँ से देगा एक छोटा दुकानदार? छोटे व्यापारी की भी कमर तोड़ के रख दी सरकार। छोटे व्यापारी को राहत देनी चाहिए थी, छोटे उद्योगियों को राहत देनी चाहिए थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देना चाहिए था, लेकिन सरकार क्या कर रही है? साहूकारी कर रही है। और डायरेक्ट पैसा देने की बजाय अमेरिका में जिन लोगों को पैसा ट्रांसफर होना था डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। सरकार कह रही है पैसा एक नहीं देंगे, लोन ले लो, चाहे वो एमएसएमई लघु मिनी उद्योग या उनमें काम करने वाले आदमी, चाहे किसान, चाहे मजदूर, चाहे दुकानदार, चाहे उद्यमी, चाहे छोटा दुकानदार, हर आदमी को सरकार कह रही है लोन ले लो, आप हमारे कर्जदार बन जाओ। होना क्या चाहिए? सरकार को 3 महीने तक प्रत्येक उद्यमी का, प्रत्येक छोटे दुकानदार का, व्यापारी का और देश के अंदर गरीब लोगों का, बीपीएल और SC ST वर्ग के लोगों का 3-3 महीने का बिजली का बिल माफ करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन इससे राहत बड़ी मिलती। अब छोटे उद्यमियों को, व्यापारियों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कुछ नहीं करती। मुझे आप प्रेस के लोग बता दें, राशन बटा है, हर महीने बटता है, मानता हूं राशन बटा है, लेकिन प्रदेश के अंदर गरीब लोगों को भूख, उनको तक खाना पहुंचाना, ये काम सरकार ने किया? ये काम किया निर्मल कुटिया ने, ये काम किया डेराकार सेवा ने, ये काम किया राधा स्वामी सत्संग ने, ये काम किया मानव सेवा संघ ने, ये काम किया पीयूष मुनि जी ने जो जैन समाज के, ये कैलाश यात्री संघ ने किया, सड़क पर चलते हुए को खाना पानी देना, सरकार ने क्या किया? राशन तो बटना ही था, राशन बांटकर ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। गरीब की जब आह निकलती है तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम हुआ करते हैं। आज नहीं दिखेगा, जब समय आएगा, जनता जब हिसाब किया करती, और हरियाणा में ये समय जल्दी आएगा। हरियाणा में गठबंधन खतरे में, अगर आप विधायकों के बयान सुनेंगे तो उन्होंने खट्टर साहब को डायरेक्टली ये कहा है कि हम आपकी सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, आप क्यों किसी का सहारा पकड़ रहे हैं? आपको कहो तो मैं सुना देता हूं, वरना आप लोग तो प्रेस मीडिया के सजग लोग हैं, आप सब लोग सुनते हैं। सरकार खतरे में, सरकार जल्द गिरेगी, ये भविष्यवाणी में कर रहा हूं। लोगों की नजरों से तो गिर चुकी है, लोकतंत्र में जब लोगों की नजरों से सरकार गिर जाए तो ऐसी सरकारें फिर चला नहीं करती, ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन और रेवोल्यूशन हुआ करते। जब ये खुलेगा देखना आप, तो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन दिखाई देंगे आपको, रेवोल्यूशन दिखाई देगा इस सरकार की आक्रमणीयता के खिलाफ। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जिस शहर का प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हो,
शर्म की बात है, वहाँ केवल एक टेस्टिंग मशीन, वो भी अपनी नहीं है, NDRI से ली हुई है, एक टेस्टिंग मशीन, अंबाला में 8। मैं बिना किसी के बात को जांचे आरोप नहीं लगाया था, लेकिन चर्चाएं कि बीजेपी के लोग कोरोना काल में जनसेवा के नाम पर उगाही में लगे हुए थे। एक फार्म निकला है किसान का, उसकी पेमेंट के लिए, उसके आड़तियों को भी फार्म मिले हैं, उसके नीचे लिखा है कोरोना में कितना दान देंगे, कोरोना फंड में। इस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश में हैं और राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें भी धांधली दिखाई दे रही है। जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए था, क्योंकि लोग टेलीविजन पर आ रहे हैं, आप ही दिखा रहे हैं, अखबार में ही पढ़ रहे हैं कि लोग ये दिखाई दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं हमें तो मिला नहीं, हमें मिला नहीं। और हरियाणा अपने मजदूरों का, हरियाणा अपने प्रवासी मजदूरों का, हरियाणा अपने गरीबों का ध्यान नहीं रख सका, हरियाणा की सरकार नहीं रख सकी, हरियाणा की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, इसलिए मास स्केल पर पलायन हुआ है। जिस तरह जो हरियाणा से पलायन हुआ है, फरीदाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, गुड़िया गुड़गांव का कॉरपोरेट ऑफिस बैठ गया है, सोनीपत की इंडस्ट्री बैठ गई है, क्योंकि मजदूर नहीं है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, जो इस पलायन को रोकने में नाकामयाब रही। अगर मजदूरों को मदद करते, अगर उनको राशन देते, उनको खाने की जगह में, शायद जितना बड़ा पलायन हुआ है, जिसकी वजह से उद्योग और व्यापार नष्ट हो रहा है, मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब नहीं देंगे। ये कहेंगे कांग्रेसी हमारे से जलते हैं, तभी ऐसा क्या कर दिया आपने जिसकी वजह से हम जल रहे हैं। हम जल रहे हैं कि अभी आप 50 करोड़ के जहाज में बैठकर घूमते हैं, कभी ज़मीन पर भी उतरा करो, सड़कें टूटी हुई देखा करो। आपने 38 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आप करनाल आए क्यों नहीं? तकरीबन हर विधायक अपने हलके में गया है, सांसद आए और ना ही सांसद आए। चलो सांसद तो ये रहते ही हलके में, पानीपत के रहने वाले हैं, वो कह देंगे मैं तो हूँ ही करनाल में, लेकिन किसी की मिजाज पुरुषी के लिए आए, किसी की हालात जानने के लिए आए? क्या एक विधायक का फर्ज नहीं है? मुख्यमंत्री होंगे पर पहले विधायक हैं, उनको 5-5 बार 6-6 बार टेलीविजन पर बैठकर घंटों बोलने की फुर्सत तो है, लेकिन करनाल में आकर अपने लोगों की हालचाल जानने के मिजाज पुरुषी की फुर्सत नहीं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। प्रबंधन फंड या चीफ मिनिस्टर ने जो कोरोना फंड इकट्ठा किया, वो गरीब लोगों के अंदर नहीं पहुंचा है। वो कहां जा रहा है, किस जगह जा रहा है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है, ये सरकार बताए, बताना चाहिए। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, कानों में सुनने के लिए बड़ा मीठा रस घोलता है। एक राजा ने एक उसको गाना सुना रहा था बजा दरबार में, उसने कहा इसको हीरे भी दे दो, मोती भी दे दो, जागीर भी दे दो। वो घर गया, ना हीरे मिले, ना मोती, ना जागीर आई। अगले दिन राजा के पास गया कि आपने तो कहा था हीरा मोती जागीर देंगे। तो राजा ने कहा जो मेरे कान को अच्छा लगा मैंने सुना, जो आपके कान को अच्छा लगा वो आपने सुना, देना लेना क्या है?
20 लाख करोड़ का पैकेज, ये वही चीफ प्रधानमंत्री हैं जो ये कहा करते थे कि मेरा एक स्वप्न है मित्रों कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो देश के हवाई जहाज में सैर करे। आज वो हवाई चप्पल पहनने वाला 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर कड़कती धूप में बिना पानी और सब अपने परिवार और बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन के साथ सड़कों पर चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री उनके लिए जहाज कर। केवल 10 लाख लोग, 12 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोगों को अभी तक उनके घर पर पहुंचाया गया है। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक लोन मिला है, फाइनेंस मिनिस्टर का धारावाहिक संबोधन है, लेना देना कुछ नहीं, किसी को इससे फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस ने एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में सरकार को हर चीज में सहयोग दिया। अब परिस्थितियां जब ये बन गई कि देश का गरीब पिस गया, मजदूर लुट गया, सड़कों पर आ गया, पैदल चल रहा है, तो कांग्रेस ने किया। सर आपने कहा था हम दोनों को घर कांग्रेस छोड़ के आएगी, यहाँ पे राधा स्वामी काशवा में 141 मजदूर है, प्रशासन की तरफ से कल एक विज्ञप्ति आई है कि उसने जो पैसा देकर निजी वालों पे भेजेंगे कांग्रेस उन मजदूरों को भेजेगी घर पे। 40 लाख रुपए का चेक कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुकी है इस खर्चे के लिए कि जो मजदूर जाना चाहते हैं उनको छोड़ दें। नहीं, कोरोना का जब लॉकडाउन था, तब बाहर निकलने की पाबंदी थी। आज भी 10 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल से उम्र के ज़्यादा बुजुर्ग को निकलने की पाबंदी है। जब पाबंदी थी तो मैं तब नहीं कह रहा, जब रिलैक्सेशन हो गई तब निकलना चाहिए था। सबसे पहले जिम्मेवारी किसकी है? जो रूलिंग पार्टी है, हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह जो जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी थे इसलिए गए हैं, अब भी जा रहे हैं, और कौन गया है बताइए। है जी, कोरोना काल तो घोटाला काल के रूप में जाना जाएगा, चाहे वो शराब के घोटाले हों, चाहे वो राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के घोटाले हों, चाहे चंदा उगाही के घोटाले हों। जैसे यहाँ सैनिटाइजेशन का घोटाला प्रदेश में बड़ा जोर-शोर से उठाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन के लाइसेंस लेने का, इसको भी उठाइए कांग्रेस। निश्चित रूप से जितने घोटाले आपको पता है शायद उतने मुझे ना पता हो, क्योंकि मैं 2 महीने से बिस्तरे में था, मैं टेलीविजन ही देखता था, मैं भी 2 महीने बाद अपने घर से अपने बिस्तरे से निकला हूँ। शर्मा जी, इस समय मजदूरों को सबसे ज़्यादा जरूरत थी काउंसलिंग की, काउंसलिंग कोई भी कर सकता है, समाज सेवी संस्था कर सकती हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता कर सकते हैं कि आपको छोड़ने की जाने की जरूरत नहीं है। वो पैनिक होकर जा रहे थे, उनको राशन मिला, उसके पास था, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संस्थाएं पहुंचा रही थी, गुरुद्वारा पहुंचा रहे थे, मंदिर पहुंचा रहे थे, लेकिन उनको काउंसलिंग की जरूरत थी, वो किसी ने नहीं की। निश्चित रूप से बात करें चाहे दूसरी पार्टियों की, निश्चित रूप से इस बात की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मजदूरों के काउंसलिंग की, मजदूरों को यहाँ पर ठहराने की सरकार की थी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बनाना कि मजदूर यहाँ से छोड़ कर ना जाए, सरकार का काम। सर विपक्ष का भी तो काम बनता है ना, दूसरी पार्टी के लोग भी तो कर सकते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के भी थे। हमारे को कोऑपरेट नहीं किया गया, प्रशासन सरकार से पास मांगे, पास नहीं दिया। सरकार ने पहले तो ये बताइए, सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ रही है? सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी, सरकार ये कहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की सबसे पहले, सबकी है बाद में, पहले सरकार ये बताए कि ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं बनाई गई, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी थी, चाहे वो मजदूरों के जो रोजगार संबंधी थी, चाहे उनके खाने के संबंधी थी, तो इन्होंने क्यों नहीं ऐसी परिस्थितियां बनाई। अगर ये सामाजिक संस्थाएं करनाल में काम ना करती तो यहाँ का गरीब भूखा मर जाता।
यहाँ पर अगर मजदूर छोड़ के गया है तो उसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं, सरकार की प्रयोगशाला जिम्मेदार। सर अभी भी मजदूर जा रहा है। इस समय देश के जो हालात हैं, उस समय देश को एकजुट होना चाहिए, हर पार्टी को एकजुट होना चाहिए, राजनीति और प्रचार नहीं होना चाहिए। क्यों? सरकार अगर अपनी एबडिकेट कर जाए, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चली जाए, तो विपक्ष का काम नहीं है उसको सामने लेकर आना। सिर्फ विपक्ष इसलिए चुप रहे कि देश संकट में है? क्या देश का संकट नहीं बढ़ रहा है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है? ठीक ढंग से सरकार लोगों को अटेंड नहीं कर रही है? क्या ये हमारा काम नहीं इस बात को उठाना? इसको राजनीति कहते हैं? हाँ, राजनीति के हैं हम, लेकिन झूठ बोलने की राजनीति अगर सरकार कर रही है, अगर लोगों के बीच में लोगों की सेवा ना करके सेवा का क्रेडिट लेने की राजनीति अगर सरकार कर रही है, तो हमारा भी ये फर्ज है कि सरकार जो नहीं कर रही है, जो सरकार को करना चाहिए था नहीं किया है, उसको जनता के सामने लेकर आना। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, राशन का बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार की जिम्मेदारी है ना राशन देना। प्रोक्योरमेंट कंट्री के अंदर 3 साल के अनाज का स्टॉक बनाया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार का काम है। केंद्र सरकार अनाज देगी, डिस्ट्रीब्यूशन कटिंग एज पर हमारी प्रदेश सरकार का। अब आप बता रहे हैं लॉकडाउन 3 और 4 में राशन मिलना ही बंद हो गया, तो यहाँ मजदूर रुकेंगे कैसे? गरीब आदमी रुकेगा कैसे जिसको राशन नहीं मिलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार को, जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों ने पहले ये चेता दिया कि ये नहर टूट सकती है, इसका जो तटबंधन है वो टूट रहा है, उसमें कमजोरी आ रही, और उसके बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, तो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने हजारों एकड़ ज़मीन के अंदर पानी भर दिया, इतनी बड़ी नहर आवर्धन है, उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, तो उनको चंडीगढ़ की कोठी से फुर्सत मिलेगी तब रावण देखने आएंगे। सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ही खाद्य पूर्ति विभाग है जो राशन वितरण का काम करता है, और शराब का जो एक्साइज महकमा है वो भी उनके पास है, तो क्या लगता है कि दोनों महकमों में इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं और वो चुप क्यों है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, वो चुप है नहीं है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है? मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। मैं छोटे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात करूं, मैं तो मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हैं, आप कर्मणीय हैं, आपसे कांग्रेसी जलते हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो शराब का घोटाला है, चाहे किसान की पेमेंट की बात है, चाहे राशन की धांधलियाँ हैं, चाहे और बड़े बड़े धंधाले, तो सरकार के, क्योंकि टेलीविज़न पर तो मुख्यमंत्री आकर बोलते हैं, अपनी वीरता का पुरस्कार स्वयं जब प्राप्त करते हैं कोरोना वॉरियर के रूप में, तो कुछ जवाब कौन देगा? जवाब तो मुख्यमंत्री दे। ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल। मैं भारत के संविधान को जानता हूँ, मुख्यमंत्री की स्वयं की जिम्मेवारी है, दुष्यंत की छोड़िए और किसी मंत्री की छोड़िए, बेचारा मंत्री एक बताया तो है कि बिना नाक कान आँख का मंत्री है, होम मिनिस्टर अनिल विज, और मैं नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि CID के बिना होम मिनिस्टर बिना आँख नाक और कान का मंत्री। कुलदीप जी, कोरोना को राजनीति से देखा गया, मोदी किट भी बटी, कांग्रेस किट भी बटी, इस बारे में आपका क्या कहना? मैंने तो कोई मोदी किट बटती नहीं देखी। आपने मोदी, हमारे पास शॉट है मोदी किट, मोदी को राशन बटाया, वीरेंद्र राठौर ने कांग्रेस के बैनर स्टिकर लगाकर राशन बांटा है झुग्गियों वालों को। देखो भी, अगर झुग्गियों वालों के पास राशन पहुंच रहा है, सुन, मैं जवाब सुन लीजिए, आपने पूछ लिया, अगर झुग्गियों के पास वालों के पास खाने की चीज़, पानी, स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं और उस पर किसी का स्टिकर लग रहा है, तो मुझे कोई उतरा नहीं। इसमें मोदी जी किट बटी है, वो भी ठीक है। मुझे मोदी की किट का पता ही नहीं है, कोई कहाँ बिटी है, किसने बांटी है, इस देश में कहीं दिखाई नहीं थी, आप दिखा दीजिए मुझे। सर,
कहाँ है, कौन सी है मोदी की, आपके पास भेज देंगे, भेज देना शॉर्ट भेज। आप इसको लेकर कुछ क्या कुछ करेंगे? अभी भी हालांकि जो मजदूर जो आए हैं, तकरीबन पंजाब का मजदूर बहुत ज्यादा था, लुधियाना जलंधर वहाँ का मजदूर बहुत ज्यादा था, पंजाब सरकार भी उनको नहीं संभाल पाई, पंजाब सरकार भी उनको नहीं संभाल पाई, संभाल सकती थी। अब जो काउंसलिंग की जानी चाहिए थी, अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है तो आप हमें बताएं, हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। भाई आप मतलब सिर्फ उनको समझाने की जरूरत है, अगर आप भी टीमें गठित करें, कार्यकर्ता हर हल्के हल्के समझाने में उनको सुविधा देनी पड़ेगी। वो भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि किराया देना पड़ रहा है, आमदनी है नहीं, खाना है नहीं, भूखे मर रहे हैं, अपने प्रदेश में इसलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ बाहर नहीं कोई निकलने देता। तो सर पंजाब में तो आपकी सरकार है, हाँ जी, वहाँ से इतने मजदूर क्यों आ रहे हैं? लुधियाना, जालंधर, यहाँ पर जो मजदूर मिलते हैं सड़क पर वो पंजाब के ही होते हैं। नहीं, हरियाणा के मजदूर नहीं प्लान किया? नहीं किया, मैं इस बात से हरियाणा, मैं आज हरियाणा स्पेसिफिक बात कर लो ना आप। नहीं सर, पंजाब में, पंजाब में क्या सारे देश में हो रहा है? पंजाब में क्या है? और जो प्रदेश क्या नाम दूसरे राज्यों से, गुजरात से और जो राज्य हैं कर्नाटक से, यूपी के बॉर्डर में खड़ी, यूपी के बॉर्डर में, मतलब कहाँ से नहीं हो रहा है? आप एक पंजाब को सिंगल आउट करके कांग्रेस के ऊपर फोकस करना चाहते हो? नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपकी सरकार है। हाँ, हमारी सरकार यूपी में किसकी सरकार? आप उसकी भी पूछ लो मेरे से, वहाँ मेरे बिहार में किसकी, वहाँ की पूछ लो मेरे से। पंजाब में आपकी गलती है? नहीं, पंजाब में चल, पंजाब में एक अविश्वास केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, सोलली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि मजदूर के का सरकार के प्रति जन विश्वास घटा, कम हुआ, इसके लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने रहा। हम हैं आगे रहने वाले, चीफ मिनिस्टर कहाँ रहता है यहाँ? चीफ मिनिस्टर सीएमसीटी तो जब होता, जब एक बार दो बार आके हवाई जहाज से आके वहाँ लैंड करके बिल्कुल सेफ कोरोना से होके गरीब के पास पहुँचते, किसी के पास ना पहुँचते, इस मानव सेवा संघ के हॉल में बैठकर, डिस्ट्रिक्ट के किसी हॉल में बैठकर, डॉक्टर मंगल सेन के सभागार में अफसरों को बैठा के कान खींच के उनके भी अच्छी तरह एक कार्रवाई तो करके दिखाते। मानते नहीं हैं, ही इज एन एबसेंटी MLA, एक टर्म होती है रेवेन्यू में, एबसेंटी नंबरदार, ऐसा नंबरदार जो गांव में नहीं रहता, शहर में रहता है। जब दस्तखत कराने होते थे उसके पास शहर आना पड़ता है, गांव में जब को जाता है तो पाता नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री इज एन एबसेंटी नंबरदार। सर शराब घोटाले में किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच की मांग करेंगे? मैंने मांग की है कि हाईकोर्ट के जज और CBI द्वारा इन्वेस्टिगेटेड ये इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की मिली भगत से घोटाला हुआ है, सरकार की मिली भगत से घोटाला हुआ है, इसलिए सरकार की किसी भी एजेंसी पर हमें विश्वास नहीं है। सरकार एक ईमानदार ऑफिसर को बिना नाक आंख कान का होम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, खेमका जी का नाम सजेस्ट किया था, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया कि सच्चाई सरकार की, सरकार उसमें एक किस्म से नेकेड हो जाती, नंगी हो जाती, इसलिए सरकार ने वो नहीं किया। क्या गए हैं ना उनसे पूछो आप, हाँ उनसे पूछो ना, खुश हैं क्या? सर एक लोगों से अपील करेंगे कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ, दो महीने लोग घर बैठे रहे, किस तरह से अपने रोजगार को उन्होंने ऊपर चढ़ाना है, किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से अभी भी बचना है, क्योंकि खतरा भी डला नहीं है, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार के निर्देश हैं, कोरोना काल में किस प्रकार से आपको चलना है, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। जैसे इसे ये आपको मैं कह रहा हूँ, और मैंने नेशनल टेलीविज़न की डिबेट में भी बात कही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड ठीक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो ये पहले से ही कर रहे हैं, गरीब को दूर रख रहे हैं, मजदूर को दुख रहे हैं, कुछ विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है सोशल, इसका नाम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया, इसलिए मोदी जी ने भी कह दिया, इसका नाम फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग हम अब भी नहीं कर रहे, हम इकट्ठे हैं, हम सोसाइटी हैं, हमारे फिजिकल डिस्टेंस है,
इसको सोशल डिस्टेंसिंग कह के इस देश का जो अंदर जो प्रैक्टिकली ये लोग समाज में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं उसको वो दिखाई दे रहा है। इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैं, शारीरिक फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग क्या सर? लॉकडाउन के दौरान करनालवासियों के लिए कांग्रेस का कोई एक किया गया कार्य? हमारे श्री त्रिलोचन सिंह जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में चुनाव लड़ा था, क्या ये आपको दिखाई नहीं दिए? आप सरकार का बता दो एक कार्य। दो महीने से बेड रेस्ट में थे, कल ही डॉक्टर ने उनको अलाउ किया आप थोड़ा बहुत चल सकते हो, तो इनका कल फोन आया भाई एक बार गेट टूगेदर हो जाए, सारे प्रेसलों से मिल जाए, धन्यवाद करें, क्योंकि आपने जितना कोरोना के दौरान डॉक्टर के साथ, नर्सों के साथ, प्रशासन के साथ साथ जितना काम आपने किया, आप धन्यवाद के पात्र हो। वो लग पाता कि मैं फूल मालाएं लेके नहीं आया, मैंने फूलों की बरसात पर नहीं की, लेकिन दिल से आप करनाल के लोगों के लिए जितना काम प्रेस ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया। दूसरा, मैं पहले कह चुका हूँ करनाल के अंदर CM सिटी नाम की सिटी जाएगी। CM साहब कभी नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपके माध्यम से कई बार मैं आरोप लगा चुका हूँ, कह चुका हूँ, और मैं ये कह चुका हूँ यहाँ घोटाले हो रहे हैं, यहाँ पैसा भी इकट्ठा किया गया एक नंबर में, दो नंबर में, यहाँ शराब भी बेची गई, यहाँ डिपुओं के ऊपर भी धंधलेबाजी हुई, वो सारे आपके सामने हैं। जैसे इतना बड़ा कांड हुआ मूर्थल के अंदर ये महाशराब का, SIT गठन हुई और लोग सामने आ गए, ऐसे जब करनाल की बारी आएगी तो वो लोग सामने आ जाएंगे। SIT गठन करनाल में नेता के ऊपर आपने आरोप लगाए थे, माहौल गर्म हो गया था, कुछ माहौल ठंडा हुआ नहीं हुआ? सर नहीं, माहौल तो ये जब जब भी मुद्दे की बात होगी हम जरूर करेंगे, हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारी कोई अपनी लड़ाई नहीं है। जहाँ मिलेंगे कल मिले, हम मिले हैं, नमस्ते राम सलम हुई है, और जहाँ मिलेंगे जफी डाल के मिलेंगे, लेकिन जब राजनीतिक बात होगी उसमें चाहे मेरा भाई भी होगा मैं वही बात कहूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.